लाइफ पर। विधानसभा का विधायकों का परचम कौन लहराएगा? क्या अब अपना चुना हुआ नेता आपके क्षेत्र के विकास से सफल साबित हुआ? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने पहुंची हमारी MNS की टीम विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में, जिसके चलते विधायकों के काम और क्षेत्र का विकास इन्हीं मुद्दों को लेकर टीम ने की क्षेत्र की जनता से चर्चा। आइए देखते हैं। महाराष्ट्र की 67 नंबर की आरमोरी विधानसभा कृष्णगंज में हम लोग इस वक्त मौजूद है। 67 नंबर की जो आरमोरी विधानसभा क्षेत्र है, यह विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक है कृष्णा गजबे, जिनके बारे में हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हम लोग कुरखेड़ा ग्राम में मौजूद हैं, जो कि यह कुरखेड़ा एक तहसील और नगर पंचायत भी आती है। और आज इस शहर में जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो कृष्णा गजबे करके जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया है या नहीं किया है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रभाकर। प्रभाकर जी, आप बताइए, पिछले 5 वर्षों में यहाँ के जो कृष्णा गजबे विधायक हैं, आपने उनको देखा है? हाँ, देखा है ना। वो यहाँ कितनी दफ़ा आए हैं कुरखेड़ा? वो आए होंगे 10-12 यानी पिछले 5 सालों में 10-12 बार आए। हाँ, 10-12। अच्छा, उनके माध्यम से उनका ये आरमोरी विधानसभा क्षेत्र आता है, उनके माध्यम से कोई यहाँ के विकास कार्य, जैसे रोड हो गया, नालियाँ हो गई, शिक्षा संबंधित वगैरह कोई है आपको जानकारी? अभी शुरुआत अभी दिख रही है, अभी 6 महीने के पहले से अभी दिख रही है शुरुआत काम की। क्या क्या काम दिखे आपको? अभी रोड के काम चालू है कुरखेड़ा में। अच्छा, कुरखेड़ा में रोड के काम चालू है। अच्छा, इस गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है? पीने की पानी की व्यवस्था भी है, साधारण है। धुपकाले के समय में यहाँ कोई तकलीफ जाती है? तकलीफ जाती है धुपकाले के समय। अच्छा, लाइन वगैरह कैसी रहे, बिजली वगैरह रहती है? बिजली का अभी बरसात में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अच्छा, तो यहाँ के जो विधायक है, उन्होंने कोई स्थानीय विकास निधि के तौर पर उनके माध्यम से कोई स्कूल का निर्माण या कुछ अलग कुछ करके दिखाया है? नहीं दिखाया ना, अभी जो स्कूल चालू है वो चालू है, पुरानी स्कूलें हैं। अच्छा, यहाँ स्वास्थ्य सेवा कैसी है, डॉक्टर वगैरह रहते हैं यहाँ? डॉक्टर है लेकिन प्रॉब्लम बहुत है, उपजिला रुग्णालय है लेकिन नहीं क्या, छोटे छोटे बात के लिए रेफर करना पड़ता गढ़चिरौली। यहाँ से लगभग गढ़चिरौली कितने दूर है? गढ़चिरौली अभी 85 किलोमीटर है। यानी आपको स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेने के लिए 85 किलोमीटर जाना पड़ता। क्या नाम है आपका? पवार जी, यहाँ जो आपके जो गजबे करके यहाँ के जो विधायक है, उनके बारे में आप क्या, आप सकारात्मक विधायक है कि नकारात्मक है? विधायक सकारात्मक है और बहुत बार आते हैं यहाँ पे। अच्छा, और जनसंपर्क उनका बहुत अच्छा है लोगों से। अच्छा, स्थानीय विकास निधि के तौर पर उन्होंने कोई काम किए हैं यहाँ? अभी तो काम के बारे में हम बता नहीं सकते क्या काम चल रहा है, क्योंकि लेकिन एक उनका जनसंपर्क बहुत अच्छा है और अच्छे से लोगों के साथ में उनका बर्ताव भी है, गरीब से लेके अमीर तक भी, और कोई भी कार्यक्रम में वो आते हैं। जैसे मराठवाड़ा के लोग आते हैं, हमने पहली बार ऐसा विधायक देखा है जो कहीं भी आप बात कर लो तो बात करते हैं, और अच्छा सा है उनका भी है और विकास काम हो ही रहे हैं। अच्छा, उनके माध्यम से जैसा यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवा है, वो जैसे यहाँ भी उन्होंने बताया था हमें कि यहाँ से हमको 85 किलोमीटर दूर लगभग गढ़चिरौली जाना पड़ता है, यहाँ उपजिला रुग्णालय रहने के बावजूद, तो यहाँ की स्वास्थ्य सेवा संबंधित कभी आपने समस्या बताई है उन्हें? नहीं, यहाँ की स्वास्थ्य सेवा अच्छा है, यहाँ पे 50 बेड्स का हॉस्पिटल भी है। अच्छा। और जो सुविधा नहीं है गवर्नमेंट उसको मुआवला करवा रही है अभी, यानी अवेलेबल करवा रही है। हर सुविधा एक साथ नहीं आती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिर भी यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी सी है और कोऑपरेटिव है सभी डॉक्टर लोग। अच्छा, यहाँ कितने लोगों को रोजगार मिल पाया होगा? यहाँ पे रोजगार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे पेशा कायदा जो लागू किया है, वो पेशा कायदा की वजह से OBC और ओपन के जो लोग हैं उनको अभी तक रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार का प्रॉब्लम है। और ये पेशा कायदा की वजह से ही लोगों को, सिर्फ ST समाज के लोगों को ही रोजगार मिल रहा है, उसके वजह से हम OBC समाज वाले और ओपन समाज वाले, SC समाज वाले जितने भी हैं, हम नाराज लोग हैं उनसे। तो स्थानीय विकास के तौर पर यहाँ रोजगार की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, बाकी आपको सारी चीज़ें लगती है कि वो उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण रखा हुआ है? वो प्रयास कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट प्रयास करती है, चाहे वो BJP का रहे या कांग्रेस का रहे, लेकिन उनका जनसंपर्क बहुत अच्छा है लोगों से। क्या नाम है आप? मैं डॉक्टर रामटेके। रामटेके साहब, डॉक्टर साहब हैं आप? अच्छा, बताइए कि यहाँ के जो कृष्णा गजबे आरमोरी विधानसभा के आते हैं, वो विधायक हैं, तो उनके स्थानीय विकास निधि के तौर पर कोई काम वगैरह आपको जो ध्यान हो? स्थानीय स्तर पर ये रोड वगैरह का काम चालू है। अच्छा, और शिक्षा संबंधित? शिक्षा संबंधित तो जो रूटीन चालू है वही है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई काम नहीं है। एक्स्ट्रा काम नहीं है कुछ भी?
अच्छा, यहाँ जो स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन वगैरह कुछ उनके माध्यम से मुहैया हुए हैं? नहीं नहीं, रोजगार के बारे में तो बहुत पीछे है ये। अच्छा, कुरखेड़ा यह गढ़चिरौली जिले से लगभग 85 किलोमीटर दूर है और यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवा है वो हमें एक इन्होंने बताया था कि काफ़ी चरमराई हुई है, तो इस बारे में कुछ आपका? हाँ, यहाँ पे है उप जिला रुग्णालय, मगर उप जिला रुग्णालय के मान से यहाँ स्पेशलिस्ट लोग नहीं है। अच्छा, यानी यहाँ डॉक्टर वगैरह की कमी है काफ़ी? डॉक्टर की मैंने स्पेशलिस्ट लोगों की कमी। अच्छा, है स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं उनकी कमी है? कमी है। तो यहाँ से फिर एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था रहती है उनको? एम्बुलेंस की व्यवस्था है। अच्छा, मगर वो जाना पड़ता है वहाँ गढ़चिरौली। गढ़चिरौली जाना पड़ेगा। यहाँ के स्पेशलिस्ट जो पोस्ट है वो वैकेंट है यहाँ की। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ ये तो अभी नगर पंचायत बनी हुई है शायद कुरखेड़ा, तो यहाँ जैसे मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसा नाली होती है, सड़कें होती है, शिक्षा होती है, पीने के पानी की व्यवस्थाएं होती है, तो ये बिजली होती है, तो ये सारी है आपके गांव में बराबर? नहीं, पीने के पानी का तो बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, क्योंकि जैसा बरसात के समय में वो खराब पानी आता है। अच्छा, तो यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट होना चाहिए। अच्छा, फिल्ट्रेशन प्लांट न रहने की वजह से पानी यानी अशुद्ध पानी पीना मजबूरी बन जाती है आप लोगों? और बहुत लोगों को पेट के बीमारियां हो जाती। अच्छा, यहाँ स्थानीय लेवल पर जैसे मान के चलिए कि जो धूपकाले का समय है, ऐसे समय पानी के रहता है? धूपकाले में तो बहुत एक टाइम आता है पानी और बहुत प्रॉब्लम आता है, झगड़े होते हैं नल पे। अच्छा, जो जनरल नल रहते हैं उससे बहुत। उन्होंने इस बारे में जब विधायक ने कुछ किया नहीं है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। तो पीने की पानी की समस्या आप लोगों ने उन्हें अवगत कराई कि नहीं कराई? बहुत बार अवगत कराए। अच्छा, उसके बजट भी आया था। अच्छा, मगर वो बजट का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ बराबर। अच्छा, यूटिलाइजेशन नहीं होने की वजह से वो बजट वापस चले गया? हाँ, चले गया। अच्छा, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा पुंडलिक देशमुख। देशमुख जी, आपको क्या लगता है ये 63 नंबर की विधानसभा है आरमोरी, ये कृष्णा गजबे जी का विधानसभा क्षेत्र आता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, तो आपको लगता है कि स्थानीय विकास निधि के तौर पर उन्होंने यहाँ बहुत अच्छे काम किए हैं? हाँ, स्थानीय लेवल के इसमें से अगर सोचे तो कृष्णा जी गजबे ज़्यादा लोग भी लग रहे हैं उसके काम की वजह से, और नगर पंचायत के हिसाब से अभी 11 से 12 करोड़ रुपये उन्होंने अपने निधि से यहाँ पे दिए हैं। अच्छा, और उसके वो निधि से हाल फिलहाल अभी करोड़ों के काम कुरखेड़ा में चालू है। अच्छा, यहाँ पीने के पानी की समस्या हमेशा बनी होती है, बारिश में यहाँ पीने का पानी गंदा आता है, फिल्टर प्लांट नहीं है, और धूपकाले के समय एक ही समय पानी आता है, जिसके वजह से ग्रामीणों के झगड़े होते हैं नलों पर, ऐसा हमें सुनने मिला है, इस बारे में क्या आप कहेंगे? देखो, क्या है कि अपने कुरखेड़ा नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसे सालाना बहने वाली कोई रिवर नदी नहीं है, जो लिमिटेशन पानी का है उतना बहुत सा यानी है, लेकिन जो नल का पानी है वो पीने के लिए पूरे सा नहीं है, कुआ है, हाथ पंप है, टंचाई करके ये कुरखेड़ा में जाती नहीं, लेकिन पीने का पानी का जो प्रॉब्लम होता है 2 महीना कम होता है। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि उन्होंने शिक्षा संबंधित कोई यहाँ यानी जैसे रोजगार वगैरह कुछ मुहैया कराए हैं? जी, क्या किया है रोजगार में? रोजगार में अभी जो है अपंग से लेके नहीं नहीं कोई इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई या फिर यहाँ स्थानीय लोगों पर कोई यानी प्रोजेक्ट महामंडल वगैरह का ऐसा कुछ लाया है उन्होंने? नहीं, स्थानीय हाल फिलहाल तो नहीं है, वो प्रस्तावित है ऐसे अपने उसके नहीं। यहाँ के लोग बेरोजगारी की बहुत यानी मार झेल रहे हैं, ऐसा हमने को यहीं के स्थानीय लोगों ने बताया हुआ है, तो इस बारे में विधायक ने कोई पहल नहीं की है क्या? नहीं, अभी क्या है देखो, यहाँ पे हाल फिलहाल अभी क्या है, ये जो है अपने बेरोजगारी जिला जो है अपना बेरोजगारी से पूरा बुझा हुआ है, कोई भी इंडस्ट्री जाए तो फैक्ट्री जाए तो कोई कारखाना नहीं है। इसके तौर पर गढ़चिरौली जिले के अंदर एक लोह खनिज का जो चल रहा है वहाँ पे सुशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलने के तय शुरू है, हाल फिलहाल कोई सुशिक्षित बेरोजगार जो है वहाँ जाने की कोशिश कर रहे और जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ है कि जो उसे विकास काम जो है वो बाधा आ रहे हैं, विकास कार्यों में बाधाएं हैं। लगभग हमने अभी जानने का जो प्रयास किया था कि यहाँ के जो विधायक है, स्थानीय विधायक कृष्णा गजबे, इनका जो काम है वो वैसे तो सकारात्मक ही दृष्टिकोण से है, लेकिन इस गांव में पीने की पानी की समस्या जो है वो बहुत गंभीरता का विषय बनी हुई है। लगभग इस गांव का जो विकास है वो धीमी गति से हो रहा है, जो तेज गति से हुआ नहीं है, ऐसा स्थानीयों के जानकारी से हमें देखने में आया है। हम लोग इस वक्त पहुंचे हैं आरमोरी विधानसभा में क्षेत्र में आने वाला घाटी करके गांव है,
इस गांव में हम अब जानने का प्रयास करेंगे कि यहां के जो स्थानीय विधायक जो हैं उन्होंने कौन कौन से काम अपने इस गांव में किए हुए हैं, और उस गांव वालों से हम चर्चा करेंगे कि इस गांव का क्षेत्र का विकास उन्होंने किया है या नहीं किया है। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं भैया, आपका नाम क्या है? खुशाल लाड़े। ये खुशाल लाड़े जी हैं। खुशाल लाड़े जी, बताइए आरमोरी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है वो आपके गाँव में कितनी दफा आ चुके हैं? एक ही बार नहीं आए। तो एक भी बार नहीं आए। अच्छा, आपको क्या लगता है उनके स्थानीय विकास निधि के तौर पर जो काम होते हैं जैसे सड़क नाली वगैरह, ये कुछ हुआ है आपके गाँव में? नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अच्छा, आपके गांव में रोजगार हमी के जो काम होते हैं वो रोजगार हमी के गांव काम हुए या नहीं हुए? 360 दिन में फक्त 8 दिन होते। अच्छा, 8 दिन आपको सिर्फ केवल रोजगार मिलता है, यानी आपके पास रोजगार के साधन नहीं है। अच्छा, इस गांव में बिजली वगैरह रहती है? हाँ रहती है वो। अच्छा, बिजली रहती है। यहाँ गाँव में शिक्षा के क्या व्यवस्था है साधन, यानी विधायक के तरफ से कोई नया ये किया गया, क्लास वगैरह चालू किए गए या कुछ किया ऐसा? वैसे तो नहीं है, विधायक की तरफ से नहीं है। अच्छा, जो भी विकास हुआ है ये स्टेट गवर्नमेंट का जो रहता है फंड के हिस्से, उसी से जिला परिषद वगैरह से हुआ है। अच्छा, आपके गांव में और क्या असुविधाओं का आलम है वो बताइए। पानी की टंकी है, पानी पीने का पानी, नल योजना नहीं है। अच्छा, आपके गांव में नल योजना नहीं है। आप बताइए, आप जानते हैं उनको, कृष्णा गजबिया करके यहाँ के स्थानीय विधायक है, उनको कभी देखा है आपने? नहीं, नहीं, नहीं। देखे नहीं, देखे नहीं है आपने? नहीं, नहीं। अच्छा, कभी उनको आपने किसी कार्यक्रम में बुलाया यहाँ, कोई जैसा क्रीड़ा वगैरह का होता है वार्षिक क्रीड़ा वगैरह या गणेश उत्सव वगैरह में, ऐसा? नहीं बुलाया। तो आए नहीं क्या वो? अच्छा, क्या लगता है आपको, आपका गाँव विकास से दूर है? हाँ दूर है, यानी आपके गाँव में विकास हुआ ही नहीं है। अच्छा, क्या सोचते हैं आप अपने विधायक, यानी जो आपने जो परिवर्तन किया, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया हुआ था, विधायक को आपने चुन के दिया, तो उस समय वो काफ़ी दौर आपके पास आए होंगे, लेकिन पिछले 5 सालों में कभी नहीं आए? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। तो आपने उनको अभी तक के देखा नहीं है? देखा नहीं है, पहचानते भी नहीं है। अच्छा, उनको पहचानते भी नहीं है? अच्छा, देखा ही नहीं है। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ लाड़े। लाड़े जी, बताइए आपके गांव में रोजगार के क्या साधन है, यानी यहाँ बेरोजगारी है? नहीं, हमारे गांव में रोजगारी नहीं, नहीं है। अच्छा, और खेती है? हाँ, खेती रोजगार जो है तो एक एक परिवार के पास आधा एकड़ के ऊपर जमीन नहीं है। आपके गांव में आधा एकड़ के ऊपर किसी के पास जमीन नहीं है? आधा एकड़, एक एकड़ तो, तो घर पर ही खेती की जाती है? घर पर खेती किया जाता है। तो खेती से भी रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा। स्थानीय लोगों का काफ़ी यहाँ रोष देखने को मिला हुआ है, जैसे कि कृष्णा गजबे करके जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, इस घाटी करके जो गांव है, इस गांव में वो आज तक के नहीं आए। स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि उनको उन्होंने देखा भी नहीं है, क्योंकि वो जब चुनाव थे तब उस दौरान उनको शायद इस गाँव में आए होंगे, लेकिन आप उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वो कभी इस गाँव में नहीं आए। और स्थानीय विकास निधि के तौर पर इस गाँव का विकास जो है वो काफ़ी कोसों दूर है, इस गांव में विकास नहीं हुआ है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। घोटी गांव की कुछ महिलाएं भी है, अभी तक के हमने पुरुषों से ही ये सारी चीज़ों की जानकारी ली है, अब हम महिलाओं से भी पूछेंगे कि उनके गांव का विकास हुआ। आपको लगता है आपके गांव का विकास हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा, रोजगार वगैरह आपके गाँव में मुहैया है क्या? नहीं है। अच्छा, फिर अभी आप जो जीवन यापन कर रहे हैं वो काफ़ी दिक्कतों से है? दिक्कतों से है। अच्छा, आपके यहाँ जो स्थानीय विधायक है यहाँ के, वो कृष्णा गजबे जी, उनको आपने कभी देखा है? नहीं देखा है। अच्छा, कभी वो इस एरिया में आए हैं? नहीं आए। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनीता जीवन ढोड़े। अच्छा ढोड़े जी, मैं भाई बताइए कि यहाँ जो स्थानीय विकास निधि के तौर पर आपके गांव में कुछ काम हुए हैं? नहीं। अच्छा, पीने के पानी की समस्या रहती है? हाँ। तो पीने के पानी की समस्या को कैसे आप सॉल्व करते हैं? हम ग्राम पंचायत में जाते हैं और महीने की बैठक रहती है, उस सरपंच को बोलते तो करके देंगे, ऐसे में बात करते फिर कुछ नहीं करते। अच्छा, यहाँ पानी की टंकी वगैरह बनी नहीं है क्या? नहीं है, नहीं। अच्छा, तो इस संदर्भ में कभी गांव वालों ने जो सरपंच से चर्चा की है? नहीं की है सर। अच्छा, सरपंच ने कभी विधायक को बताया? मालूम नहीं। अच्छा, वो नहीं पता आपको? नहीं। तो ये थे हमारे साथ घोटी गांव की कुछ महिलाएं थी, जिन्होंने बहुत अच्छी रोचक जानकारी बताई हमें कि स्थानीय विकास निधि के तौर पर इस गांव में कोई काम नहीं हुए हैं, और यहां के जो कृष्णा गजबे करके जो विधायक है वो सक्रिय तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय तौर पर काम कर रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। हम लोग एक यहाँ जो दिव्यांग है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि उनकी काफ़ी पुरानी साइकिल दिख रही है। क्या नाम है बाबा जी आपका? फकीरा बुद्धा जी कोल्ले। अच्छा कोले जी, बताइए आपको जो साइकिल है ये आपने खरीदी हुई साइकिल है? खुद की खरीदी है। अच्छा, आपको सरकार की ओर से जैसा दिव्यांगों को जो मदद मिलती है, हाँ, ऐसी कोई मदद नहीं मिली है क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आपको कोई पेंशन वगैरह, दिव्यांग पेंशन शुरू हुई वो? नहीं। अच्छा, इस संदर्भ में आपने कभी विधायक महोदय से चर्चा की है? की है। क्या बोल रहे थे वो देंगे बोल रहे?
अच्छा देंगे बोल रहे थे आपको, लगभग आप कितने वर्ष हो गए आपको साइकिल मिली लिए थे आपने? ये हाँ ये भी 2 वर्ष हो गए, वो मर गया। अच्छा हाँ वो अपंग वाला मर गया। हाँ उसकी साइकिल लिए। अच्छा ये जो साइकिल है जो इसके पहले जो कोई अपंग था उसकी दिव्यांग था उसकी साइकिल है वो आपने खरीदी है? हाँ। और आपके पास क्या था पहले? कुछ नहीं। अच्छा ये साइकिल काफी पुरानी है, आप ये घोड़ी के सहारे चला करते थे। हाँ। अभी आपने साइकिल खरीदी है उनकी सेकंड हैंड। हाँ। लेकिन सरकार की ओर से आपको कोई सुविधा नहीं मिल पाई? कुछ नहीं मिली। अच्छा कितनी खेती है आपके पास? खेती वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा फिर रोजगार का क्या साधन है आपके पास? कुछ नहीं, अभी कुछ तो भी कमाने का और खाने का। अच्छा कितने बच्चे हैं आपको? बच्चे एक ही बच्ची है मेरे को। अच्छा लड़की है आपके? अच्छा वो कहाँ तक के पढ़ी है? वो 12वीं पास हुई। 12वीं पास है। अच्छा उसको जैसे आप तो अभी बूढ़े हो चुके हैं तो उसको कोई सरकारी नौकरी वगैरह में कहीं उसको लिया नहीं गया? नहीं। देखा जाए तो यहाँ काफ़ी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जैसे कि आपने अभी देखा ये हमारे जो दिव्यांग जो है इनको आज तक के साइकिल तक के मुहैया नहीं करा पाए हैं, और इन्होंने विधायक महोदय से भी इस साइकिल की एक मांग की हुई थी लेकिन वो भी उनकी पूरी नहीं हुई पाई है। जैसा कि इस गांव में हम जैसे जितने लोगों से चर्चा कर रहे हैं उन्होंने कई समस्याएं बताए हैं, किसानों को यहाँ किसानों को उनके खेती के भाव धान का भाव नहीं मिल पाया है, किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है, और ओबीसी समाज जो है यहाँ काफ़ी पिछड़े वर्ग में आ रहा है और ओबीसी समाज को यहाँ बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि इस गांव में ओबीसी समाज की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है और यहाँ सारे ओबीसी समाज के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है काकू आपका? ललिता मंगरू जी निम्बेकर। निम्बेकर भाई आप बताइए कि आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आप ओबीसी समाज में है तो? हाँ आम कडोली 100% लोकांचे घर पड़ून है आत्ता आणि हल्ली घरकुल की गरज है। अच्छा आपके गांव में ओबीसी समाज वालों को अभी तक के घरकुल नहीं दिया गया? नहीं नहीं। और क्या क्या समस्या है? नुस्ता सगड़ा एससी लोकांनाच मिळून राहिले घरकुल, टप्पल टप्पल टिप्पल टिप्पल, आणि आदिवासीला आमच्या ओबीसीला काहीच मिळत नाही आहे। नहीं मिल रहा? नहीं। एक मेरे साथ एक दिव्यांग भाई है जो ग्रेजुएट भी है। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है राकेश गुरुदेव तलमले। अच्छा तलमले जी बताइए आप तो लगभग दिव्यांग ही है तो आपको कहाँ तक का एजुकेशन हुआ आपका? मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है सर एम ए सब्जेक्ट में। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा नौकरी के लिए आपने कोई प्रयास वगैरह किया है? हाँ प्रयास किया है सर जी, लेकिन वैसे हैंडीकैप लोगों में नहीं गया, जातीय प्रवर्गता बहुत आती है। तो आप ओबीसी समाज में आते हैं? हाँ ओबीसी समाज में आते हैं। अच्छा तो फिर मुझे एक बात बताइए यहाँ के स्थानीय विधायक साहब मिले हैं गजबिया साहब से? उन्होंने तो हमको पूछा भी नहीं, और हमारे ये कडोली में लगभग 52% ओबीसी समाज है लेकिन ये आमदार की वजह से नहीं गया, ये पेशा अंतर्गत गांव है। हाँ। तो हमारा गांव पेशा में आता है और गढ़चिरौल भी पेशा में है। हाँ। तो हम नौकरी कहाँ करेंगे? अच्छा देखिए कि जिस तरीके से अभी देखिए ये एक दिव्यांग है और इनसे हमने जब चर्चा की तो ये एरिया जो है गढ़चिरौली जिला पेशा में आता है और पेशा के वजह से इन्हें नौकरी वगैरह नहीं मिल पा रही है। अच्छा ये खुद स्वयं भी कोई रोजगार भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थिति भी खराब है, लेकिन उन्होंने इनकी जो शिक्षा हुई है वो पोस्ट ग्रेजुएट हुई है, और ऐसी समस्याओं को लेकर वो विधायक से भी मिले हैं लेकिन विधायक ने भी उनकी समस्या का अब तक समाधान नहीं किया हुआ है। मैं कैमरामैन नीलेश पशिने के साथ निशांत भाई।